राधे राधे, आज हम सुदर्शन चक्र बनाएंगे जो भगवान श्री विष्णु का प्रिय शस्त्र है। भगवान श्री विष्णु को सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त हुआ था उसकी एक कथा है। शास्त्र और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने दुष्टों के संहार के लिए सुदर्शन चक्र का निर्माण किया था। जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को देखा था तब उसको धारण करने की इच्छा हुई। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु को भेंट स्वरूप सुदर्शन चक्र सदैव के लिए दे दिया था। एक दंत कथा और भी है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान विष्णु ने जब आठवें अवतार यानी श्री कृष्ण अवतार के लिए भगवान शिव शंकर की घोर तपस्या की थी ताकि शिव शंकर प्रसन्न होकर उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान कर सके। सुदर्शन चक्र को महादेव ने श्री विष्णु भगवान को भेंट दिया था और विष्णु भगवान के आराध्य महादेव है, इसीलिए सुदर्शन चक्र श्री विष्णु भगवान का सबसे प्रिय शस्त्र है। ग्रंथों में कहा जाता है कि सुदर्शन किसी भी दैवीय शस्त्र के मुकाबले सबसे भयंकर माना गया है, सबसे पावरफुल है ये। सुदर्शन के लिए यह भी वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन को शरीर प्रदान किया है जिससे सुदर्शन युद्ध के दौरान तो शस्त्र बन जाते हैं और सामान्य परिस्थितियों में दैवीय रूप धारण कर लेते हैं। जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने आठवें अवतार यानी श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया था ना, तब उसी टाइम श्री नारायण ने इस अवतार में चक्र को ही अपना प्रिय और मुख्य अस्त्र बनाया था। श्री कृष्ण लीलाओं के अनुसार सर्वप्रथम सुदर्शन चक्र का प्रयोग शिशुपाल पे किया गया था। वास्तु के अनुसार सुदर्शन चक्र का बहुत महत्व माना गया है। वही ज्योतिष में चक्र को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। मुख्य द्वार पर सुदर्शन चक्र लगाने से सभी प्रकार की बाधाओं का नाश होता है और घर वालों को बाधाओं से लड़ने की शक्ति मिलती है। सुदर्शन चक्र को सभी कालों का प्रतीक माना जाता है। इससे हर तरह की नेगेटिविटी से लड़ने की पावर मिलती है, घर में पॉजिटिव वाइब्स फैलती है, इससे हर चीज घर में अच्छी होती है। इसको लगाने से बहुत फायदे मिलते हैं घर में। चक्र की उपस्थिति से घर के चारों ओर सुरक्षा कवच बनती है और किसी भी नकारात्मकता ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकती है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, इसको मैंने लगा के फील किया है। घर में लगाने से सच्ची में बहुत अच्छा फील होता है, हमको अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलती है और जो कुछ रुके हुए काम है वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने लगाया था और मैंने सोचा बस लगा दिया कोई नहीं है, पर उससे सच्ची में मुझे अच्छा रिजल्ट मिला था। आज के टाइम में हमें ऐसे सुरक्षा कवच की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कलयुग का कि यहाँ हर कोई हर किसी से जलता है, तो उनकी जो जलन होती है वो हम पे कुछ भी उल्टा कुछ टोना करेंगे कुछ जादू करेंगे, तो उन सब से बचाता है हमें ये सुदर्शन। सुदर्शन के अलावा शंख है, चक्र है, ये सब है ना, भगवान का जो भी सिंबल होता है ना वो हमको हर चीज़ से बचाता है, सब टोने टोटके से बचाता है। नेगेटिव जो होता है ना वो बाहर की जो ये भूत प्रेत उनको भी घर में आने से रोकता है। तो हमेशा हमें घर में तो हम अपना कुछ ना कुछ लगाते ही हैं, कोई भी पोर्ट्रेट कोई भी स्टैचू, तो उसको हमको भगवान से रिलेटेड ही लगाना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक तो वो सुंदर लगेगा और भगवान हमको दिखेंगे तो हमारा दिमाग भी सही रहेगा और ऊपर से वो पूरे घर में ये सब चीज़ों मतलब बुरी चीज़ों को फैलने से रोकेगा, हमको सुरक्षा प्रदान करेगा। इसलिए मैं तो यही बोलूँगी कि हमें हमेशा घर के अंदर भगवान से रिलेटेड चीज़ ही लगानी चाहिए जो हमको सुरक्षा देती रहे। हमको हमारे घर में कुछ भी रखने से पहले कोई भी डेकोरेटिव आइटम वगैरह कोई फ़ोटो वगैरह उसको रखने से पहले हमेशा सोचना चाहिए, हमेशा गूगल पे सर्च करना चाहिए कि ये हमारे घर में रखने के लिए है कि नहीं है। क्योंकि कोई लोग कभी कभी हम अपने शौक से कुछ भी लेकर आते हैं, जैसे महाभारत का युद्ध है, किसी लड़ते हुए योद्धाओं का कोई तस्वीर है या कोई वाइल्ड एनिमल है जो गुस्से में है, मुँह फाड़ा हुआ है, दांत दिख रहा है उसका, या नाचते हुए नटराज है, या रोती हुई कोई पोर्ट्रेट है, कोई आदमी रो रहा है, लेडीज रो रही है, तो ऐसी चीज़ें हम डेकोरेशन में रखते हैं कि हाँ सुंदर लग रहा है, पर वो उससे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है घर में। तो ऐसी चीज़ों से हमें हमेशा बचना चाहिए। हमको हमारे घर में क्या सेलेक्ट करना है उसको हमेशा सोच समझ कर ही लाना चाहिए। उसे हर कुछ ऐसा नहीं कि ये पसंद है इसको लगा दिया,
कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा सोच समझ के ही उसको हमारे घर के लिए सेलेक्ट करना चाहिए, उससे हमारे घर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सुदर्शन चक्र को हम पूजा घर में भी रख सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। उससे उसकी पूजा करने से क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, हमें हर क्षेत्र में सुरक्षा मिलेगी और अलग अलग टाइप के हमें जो रोग है उनसे राहत मिलेगी, अलग अलग तकलीफों से राहत मिलेगी। तो उसकी पूजा करना भी बहुत ही अच्छा है। कथाओं में कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र किसी भी बड़े से बड़े दानव को मार देता था और इसकी स्पीड मन के बराबर चलती है, जैसे अपन मन में जो सोचते हैं उतने में ये इतना स्पीड में चलता था। तो इसीलिए उसका इम्पैक्ट भी हमारे घर पे ऐसा ही है, जैसे ये वो उस टाइम दुष्टों को मारता था, इस टाइम हमारे घर की टोना टोट का कोई बुरी आत्माओं का प्रभाव या किसी की बुरी नज़र उन सबको ये फोटो हटाएगी। और इसकी जो स्पीड है ना उस टाइम जो ये मन की गति से चलता था, उसी तरह ये हमारे घर में लाने से ये उसी स्पीड में वो काम भी करेगा, लगाते ही उसका इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट भी होगा। ये मैंने खुद ने फील किया है। हम सब हमारे बॉडी का बहुत ध्यान रखते हैं, प्रॉपर ड्रेसिंग करते हैं, प्रॉपर मेकअप करते हैं, प्रॉपर हर चीज़ उसको प्रॉपर लगाते हैं। जैसे बिंदी को हम फोरहेड में लगाएंगे, कभी चिक पे लगाया, पायल को पैर पे ही पहनेंगे, हाथ में नहीं पहनेंगे, चूड़ी को हाथ में डालेंगे, पैर में नहीं डालेंगे। तो मतलब हर एक चीज़ का प्रॉपर होता है, मतलब कहाँ रखना है उसको, कहाँ लगाना है। उसी तरह हमारा घर भी एक हमारा एक शरीर है, शरीर की तरह ही है, उसमें भी हर एक चीज़ परफेक्ट ही लानी चाहिए। उसको हर कुछ ला के लगाएंगे तो घर का जो माहौल है वो भी बिगड़ेगा, वो भी हमारे शरीर की तरह ही है। हम शरीर का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें घर का भी ध्यान रखना चाहिए, उसमें क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, क्या लगाना है। तो वो सब जैसे शरीर की भी कुछ भी लगाने से गंदा होगा, हम गंदे दिखेंगे, उसी तरह घर में भी कुछ भी डालेंगे उसका हमें बुरा प्रभाव मिलेगा। इसलिए घर में भी हमेशा अच्छी चीज़ को ही सिलेक्ट करना चाहिए लगाने के लिए, और भगवान से बढ़कर कोई अच्छा चीज़ है ही नहीं। भगवान से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो परफेक्ट ही है। बस कुछ एक चीज़ है, जैसे महाभारत है, उसमें कृष्ण तो है, पर महाभारत में जो लड़ते हैं वो नहीं रखना, उससे घर में लड़ाई स्टार्ट होती है। नाचते हुए नटराज है, जो नटराज मतलब महादेव, उसने वो गुस्से में होते हैं, तो वो गुस्से वाले महादेव नहीं लगाने चाहिए। और जैसे महाभारत का गीता का है ना, गीता जो अर्जुन को जब कृष्ण भगवान गीता सुनाते हैं, वो तस्वीर हम लगाएंगे तो वो बहुत बेस्ट है। शॉर्ट में बोलूँ तो हमें घर में पीसफुल ही चीज़ लगानी चाहिए, कोई भी अग्रेसिव नहीं लगानी, अग्रेसिव चीज़ का इम्पैक्ट भी अग्रेसिव ही आएगा, और पीस लगाएंगे तो घर में भी पीस ही आएगा उसका। इसी तरह से घर में सेलेक्ट किया जाता है हर चीज़, इसलिए हमेशा घर में पॉजिटिव वाइब्स वाली ही पिक्चर रखनी चाहिए ताकि वो हमें भगवान से जोड़ सके। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री कृष्ण।